मुंबई की, जहां गोली लगने के बाद गोविंदा का पहला बयान सामने आया। दरअसल अस्पताल से ऑडियो मैसेज में गोविंदा का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आपके आशीर्वाद से पूरी तरह से ठीक हूं, मैं अब खतरे से बाहर हो गया हूं, गलती से गोली चल गई थी। तो देखिए गोविंदा का ये बयान सामने आया, जहां पर आपको बता दें कि प्रार्थनाओं के लिए आप सभी का धन्यवाद, ये गोविंदा ने कहा। साथ ही आज कोलकाता जा रहे थे अभिनेता गोविंदा और उसी के दौरान सुबह करीब 4:45 पर एक घटना हुई, जहां खतरे से बाहर गोविंदा में उन्हें भर्ती कराया गया है। तो गलती से गोली चल गई थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ, जहां पर अभिनेता गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अब उनका एक मैसेज आया है आम जनता के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि आप सभी की दुआओं का असर है कि मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं सुरक्षित हूं। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा के वजह से गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद प्रणाम। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद। तो देखिए गोविंदा ने एक ऑडियो मैसेज भेजा है अपने तमाम फैंस के लिए, जो काफी ज्यादा चिंतित थे। लेकिन उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है और कैसी है पूरी घटना है, इसको लेकर हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी ने गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा से बात की है। क्या कुछ कहा है एक बार वो भी सुन लीजिए। गोविंदा जी कैसे हैं आप? बेटर है सर, आउट ऑफ डेंजर है, ऊपर वाले की मेहरबानी, आप सब लोगों का प्यार है। जी, बच गए बाल बाल जी। अभी कितने दिन रहेंगे हॉस्पिटल में, कुछ अपडेट इसको लेकर? अभी 2-3 दिन तो रहेगा सर, अभी तो आज आज की तो बात है, तो 2-3 दिन तो लगी जाएगा सर। घुटने के नीचे ही लगी है ना उनको गोली? जी घुटने के नीचे लगी है, ये शुक्र है भगवान का कि वो। हाँ बहुत 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 लोग इसको लेके। अच्छा ये आज कोलकाता जाने वाले? हाँ हम लोग कोलकाता के लिए निकले थे लेकिन अचानक ये सब हो गया। जी जी चलिए सर, ठीक है। किस हॉस्पिटल में है, मुंबई में? ये कीर्ति केयर हॉस्पिटल है। कीर्ति केयर, ठीक है, थैंक यू। केयर हॉस्पिटल जी, थैंक यू।